हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये लॉकडाउन में आप किस तरीके से बाहर जा सकते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए साफ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जॉब्स हैं, जिनके ऐसे बिजनेस हैं जिसकी वजह से उनको घर से बाहर जाना ही जाना है। तो किस तरीके से आप इस लॉकडाउन में घर से बाहर निकल सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक ट्रैवल पास की सुविधा दी है। हाँ जी, ट्रैवल पास की एक फैसिलिटी हम लोगों को हमारी गवर्नमेंट ने दी है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने घर से बाहर जा सकते हैं। जैसा सपोज़ अगर खुदा ना खास्ता कल मैं बीमार हो जाता हूँ या मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मुझे हॉस्पिटल जाना है, और अगर रास्ते में मुझे पुलिस रोक लेती है, तो मेरे पास वो ट्रैवल पास होना चाहिए कि ये मेरा ट्रैवल पास है जो कि मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से इशू कराया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से ये ट्रैवल पास ले सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप ये ट्रैवल पास ले सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ट्रैवल पास स्पेशली किन किन लोगों के लिए है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप इस ट्रैवल पास को ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो आप, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स का क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑफिस जाना ही जाना है अभी, तो उनके पास ये ट्रैवल पास होना चाहिए। तीसरा, पुलिस। चौथा, फायर ब्रिगेड। पाँचवा, एम्बुलेंस। और जैसे किसी की मेडिकल शॉप्स है, वो किसी की किराना की शॉप है जिसको बोलते हैं ग्रॉसरी की शॉप है, क्योंकि ये लोग क्या है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद नहीं हुई हैं और ग्रॉसरीज़ की सप्लाई बंद नहीं हुई है, तो इन लोगों को अपनी जॉब्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए बाहर जाना ही जाना है, तो इन लोगों के पास ये ट्रैवल पास होना ज़रूरी है। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, उनके पास ये ट्रैवल पास होना ज़रूरी है। पुलिस मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत से ऑफिसेज जो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और मैं आपकी बात करूं जो वाटर सप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के हैं, उन लोगों को या उन लोगों के पास ये ट्रैवल पास होना मैंडेटरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये ट्रैवल पास आप किस तरीके से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे एक वेबसाइट, जैसा मैं आपको अभी दिल्ली गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, मैं खैर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं आपको अभी दिल्ली गवर्नमेंट का बता रहा हूँ। वैसे हर स्टेट ने अपनी अपनी एक पोर्टल पर ट्रैवल पास की फैसिलिटी दे रखी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट का दिखाता हूँ कि आप जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है delhi.gov.in, इस पे जाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ट्रैवल पास हाउ टू अप्लाई फॉर ई पास करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस और आपका रीज़न कि मतलब किस वजह से आपको ट्रैवल पास चाहिए ये डालेंगे, कौन सी डेट से चाहिए, कब तक चाहिए, कौन उस डेट का किस टाइम से आपको चाहिए और कब तक चाहिए, उस दिन का भी आपको टाइम डालना है उसमें। इसके साथ साथ आपको अपना आईडी प्रूफ एक सबमिट करना है, उसमें अपलोड करना है। और अगर जैसे मैंने बोला, आप अगर आपकी अपनी मेडिकल शॉप है या आपकी कोई ग्रॉसरीज़ की शॉप है या आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो उसका आपके पास अपना एक विजिटिंग कार्ड या कुछ होना चाहिए प्रूफ के तौर पे, कि वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि मेरी मेडिकल शॉप है और मुझे क्या कहते हैं ये ट्रैवल पास चाहिए, और लेकिन आपके पास कोई मेडिकल शॉप नहीं है, तो उसके लिए आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं जेन्युइनली इस शॉप का ओनर हूँ या मैं ये शॉप रन करता हूँ। वो सारे प्रूफ आपको डालने पड़ेंगे। जब आप ये सारे प्रूफ डाल देंगे, अपनी डिटेल्स उसमें फिल कर देंगे, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपका ट्रैवल पास कुछ टाइम में आपको आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ट्रैवल पास अप्रूव हो गया है। उस ट्रैवल पास का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या उसको अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ई पास या इलेक्ट्रॉनिक पास। जैसे हम कभी मूवीज़ देखने जाते हैं या कभी हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो अपने फ्लाइट टिकट्स, अपने मूवी टिकट्स हम अपने मोबाइल में ही सेव कर लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अपने इस पास को भी मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि जिस तरीके से आप ट्रैवल पास को ले सकते हैं। अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि
आप ये मत समझिएगा कि ये ट्रैवल पास ले लिया तो आपके पास पूरी छूट है कि आप बाहर आराम से घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस ट्रैवल पास का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है इसमें, और आपको फ़ाइन भी चार्ज कर सकते हैं वो, और इसके साथ साथ आपका ट्रैवल पास कैंसिल भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि ये ट्रैवल पास सिर्फ वही लोग लें जिनको बहुत अर्जेंट ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर आपका ऐसा बिजनेस या जॉब है जिसकी वजह से आपको बाहर जाना ही जाना है, तभी आप इस ट्रैवल पास की फैसिलिटी को यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ये जो ट्रैवल पास है इसमें आप जब अपना डेट डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये आपका वैलिड होगा। जैसे अभी आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो लॉकडाउन था हमारे देश में वो था 14 अप्रैल तक। तो जिन लोगों ने जो पहले ही ट्रैवल पास ले रखे हैं जिनकी वैलिडिटी 14 अप्रैल तक थी, उनको दोबारा ट्रैवल पास लेने की ज़रूरत नहीं है। वही पुराना उनको जो ट्रैवल पास है वो ऑटोमेटिकली 3 मई तक रिन्यू हो जाएगा, ऑटो रिन्यू हो चुका है, तो उनको एक तरीके से दोबारा ट्रैवल पास लेने की ज़रूरत नहीं है। वही ट्रैवल पास आप दिखा सकते हैं, और जिन लोगों ने नहीं लिया है तो वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसी कंडीशन में करिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तभी करिएगा, वरना आप इस ट्रैवल पास को यूज़ नहीं कीजिएगा। और वो 3 मई तक इस ट्रैवल पास का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 मई तक हमारे देश में अभी लॉकडाउन है। और ध्यान रहे कि इसका मिसयूज़ ना करें बिल्कुल, और अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत अर्जेंट है तभी अपने घरों से निकलें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में इस टाइम कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। आप लोगों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना है, मुझे करना है, हम सबको मिलके करना है। ये जो कोरोना वायरस की जो ट्रांसमिशन चेन है इसको हमें तोड़ना है। तो प्लीज़ आप लोगों से इतनी मेरी गुजारिश है कि इस ट्रैवल पास का मिसयूज़ ना करें। अगर आपको बहुत अर्जेंट कोई क्रिटिकल सिचुएशन है तभी इस ट्रैवल पास को आप इसकी सुविधा उपलब्ध कराएं। मैं एक बार आप लोगों को फिर बता देता हूँ कि आप अपनी जो भी पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर ई पास और ट्रैवल पास। उस पर आप क्लिक कीजिएगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस, और अपना आपको किस लिए चाहिए ये ट्रैवल पास, वो सारी डिटेल डालिएगा। अपना आईडी प्रूफ का एक प्रूफ डालिएगा, उसमें अपलोड कीजिएगा, और आपका कोई विजिटिंग कार्ड या कुछ ऐसा प्रूफ जो कि ये शो करे कि आप इस पर्टिकुलर बिजनेस के ओनर हैं या फिर आप इस शॉप को रन करते हैं, तभी आप ये सारी फैसिलिटीज़ ले पाएंगे। जब आप उसमें करेक्टली अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो आपके पास 1 या 2 दिन में आपका ट्रैवल पास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इस ट्रैवल पास को ले सकते हैं, और किस तरीके से आप अगर कोई क्रिटिकल या अर्जेंट सिचुएशन है उसमें आप इस ट्रैवल पास का इस्तेमाल करके बाहर जा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है और ये मेरा फेसबुक का हैंडल है सोलो बनी। इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।